आज हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फेस स्कैनिंग रील एडिटिंग। सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो अगर आपको भी कुछ इस प्रकार का रील एडिट करना है तो आपके पास कैपकट ऐप होना चाहिए। कैपकट ऐप को इंडिया में चलाने के लिए आपके पास कोई सा भी एक VPN होना चाहिए। हम यूज करेंगे सुपर VPN, दोनों में से कोई नहीं है। लिंक मिलेगा नीचे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका एडिटिंग सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले VPN को ओपन करके कनेक्टेड करना होगा। कनेक्टेड हो जाने के बाद उसके बाद कैपकट ऐप को ओपन कीजिएगा। प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, फोटो पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका एक ग्रुप फोटो है उसको आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आप फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो को ऐड कीजिएगा। वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो पे क्लिक करके 3-4 वीडियो क्लिप को ऐड कीजिएगा। तो हम वीडियो लगाना चाहते हैं, चलिए वीडियो क्लिप को ऐड करके आपको दिखाते हैं। हम अपने 4 वीडियो क्लिप को ऐड कर लिए। उसके बाद क्रिएट वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद ये ओपन होकर के आ जाएगा। नीचे से आगे की तरफ चलिएगा, रेशियो पे क्लिक कीजिएगा, 9:16 पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फोटो पे क्लिक करके इसको आप फुल स्क्रीन में कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और जिसको आप दिखाना चाहते हैं स्टार्टिंग में उसको ला करके रख दीजिएगा। तो हम कुछ इस प्रकार से अभी रहने देते हैं। इतना हो जाने के बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा, एड एडियो पे क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रेटेड पे क्लिक कीजिएगा, साउंड वाला जो वीडियो क्लिप है लिंक दे देंगे नीचे, डाउनलोड कीजिएगा, एड कीजिएगा, इनपुट साउंड ओनली पे क्लिक करके साउंड को एड कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्ले करके देख लीजिएगा कि आपका जो फोटो है वो कहां तक चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो साइज है हम बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम प्ले करके देख लेते हैं कि मुझे कहां तक चाहिए। तो मुझे यहीं तक चाहिए। जैसे कि आप सब देख सकते होंगे, आपको म्यूजिक बार में ही समझ में आ जाएगा कि कहां से बीट गिरना स्टार्ट होता है। वहां से आकर के आप स्प्लिट कर दीजिएगा। आगे का ये जो फालतू भाग है इसको आप डिलीट कर लीजिएगा। अब इसके आगे आपका वीडियो क्लिप आएगा। अगर आपके वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग में एंड में जो भी फालतू भाग होगा उसको भी आप कटिंग करके हटा दीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस वीडियो क्लिप में मुझे कौन सा वीडियो क्लिप चाहिए, मतलब कौन सा अच्छा एक्टिंग किए हैं, कौन सा मुझे चाहिए। चलिए उसको हम देख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मुझे ये जो वीडियो क्लिप है यहाँ से चाहिए। जैसे कि आप सब देख सकते होंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्टार्टिंग का ये जो फालतू भाग है नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे। उसके बाद अगर इसमें स्लो मोशन फास्ट मोशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, मुझे नहीं देना है। और ये वीडियो क्लिप कहाँ तक रखना है प्ले करके देख लीजिएगा कहाँ पर बीट गिरेगा। तो इसका जो बीट है यहाँ पर गिर जाता है। जैसे कि आप सब देख सकते होंगे, म्यूजिक बार में ही देखने को मिल जाएगा। वहां पर आकर के रुक जाइएगा, वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, स्प्लिट कीजिएगा, आगे का ये जो फालतू भाग नहीं चाहिए डिलीट कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका अगला वीडियो क्लिप है उसमें भी आप देख लीजिएगा कि आपको कहां से चाहिए। तो मुझे यहां से चाहिए, जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, स्टार्टिंग का जो फालतू भाग नहीं चाहिए डिलीट करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिएगा कहां तक चाहिए। सबसे पहले इसमें हम स्लो फास्ट मोशन देना चाहते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, स्पीड पे क्लिक करेंगे, कर्व पे क्लिक करेंगे, यहां पर कस्टम पे क्लिक कीजिएगा, एडिट पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा फास्ट देना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम इसमें स्लो मोशन देना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि ये जो वीडियो क्लिप है आपको कहां तक चाहिए। तो हम चलिए देख लेते हैं, मुझे यहां तक चाहिए। तो मुझे यहां तक चाहिए तो हम यहां पर आकर के रुक जाएंगे, वीडियो क्लिप पे क्लिक कीजिएगा, स्प्लिट कीजिएगा, आगे का जो फालतू भाग है नहीं चाहिए डिलीट कीजिएगा। उसके बाद फिर से आप प्ले करके देख लीजिएगा कि अगला जो भाग है आपको कहां से चाहिए, कहां तक चाहिए। तो मुझे यहां से चाहिए, जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। तो हम छोटा कर लेते हैं। अगर इसमें स्लो मोशन फास्ट मोशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, चलिए दे देते हैं। स्पीड पे क्लिक करेंगे, कर्व पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग में फास्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम लास्ट में कुछ इस प्रकार से स्लो मोशन दे देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्ले करके देख लीजिए कि आपको ये कहां तक चाहिए। तो मुझे यहीं तक चाहिए, जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। वीडियो क्लिप पे क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे, आगे का ये जो फालतू भाग नहीं चाहिए डिलीट करेंगे। उसके
बाद आपका जो अगला भाग है वो देख लीजिएगा आपको कहाँ से चाहिए। तो मुझे यहाँ से चाहिए जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, स्टार्टिंग का जो भाग है नहीं चाहिए डिलीट करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्पीड पे क्लिक करेंगे, कर्व पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करके इसमें भी हम स्लो फास्ट मोशन दे देते हैं जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आप इक्वल साइज में कटिंग कर दीजिएगा। तो जो भी ये फालतू भाग है स्प्लिट कर लेते हैं, आगे का ये जो फालतू भाग नहीं चाहिए डिलीट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें मुझे एनिमेशन अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में आ जाइएगा, फोटो पे क्लिक कीजिएगा, नीचे से आगे की तरफ चलिएगा, आगे आपको देखने को मिल जाएगा एडजस्ट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसको आप पूरा माइनस कर दीजिएगा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद डन पे क्लिक कीजिएगा। अब इसमें आपको की फ्रेम के हेल्प से एनिमेशन दे देना है, तो चलिए हम दे देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपको इस ग्रुप में किसको दिखाना है, आप ध्यान में रखिएगा। तो हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा की फ्रेम, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आगे की तरफ चलिएगा। सबसे पहले इसका जो टाइमलाइन है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आए किस प्रकार से मुझे देना है। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ तक आ जाएंगे, बीच सेंटर से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो ग्रुप फोटो है इसके पूरा मतलब अपोजिट साइड आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। जितना भी लड़के होंगे सभी को आप शो करा दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद फिर से हम नीचे से आगे की तरफ चलेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जिसको आपको दिखाना होगा ना उसको बीच में ला दीजिएगा। तो ये जो कैप वाला है वो हम है तो उसको हम बीच में ला देंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नीचे से थोड़ा सा आगे की तरफ चलिएगा और यहाँ पर आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। हम बीच वाला दिखाना चाहते हैं कैप वाला, तो हम कुछ इस प्रकार से जूम कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसा आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लास्ट में आ जाएंगे, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद आप बैक वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें एनिमेशन दिए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। फिर आएंगे और ऐसे जूम हो जाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। इतना हो जाने के बाद अब इसका जो ओरिजिनल साउंड है यहाँ से म्यूट कर दीजिएगा, जो भी वीडियो क्लिप में साउंड होगा वो ऑफ हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब इसमें मुझे मास्क वाला जो इफेक्ट है वो अप्लाई करना है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे, देख लीजिएगा आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ से करना है, तो हम यहाँ से बैक वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, बॉडी इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। ऊपर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको आना होगा, आगे की तरफ चलिएगा, आगे की तरफ चलिएगा, सुपर पावर जो है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आउटलाइन स्कैन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप डन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके फोटो में अप्लाई नहीं होता है तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, मेन वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, तो देख लीजिएगा किस पर अप्लाई हो रहा है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। तो हमको मतलब बीच वाला जो है कैप वाला उस पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा इधर उधर, फिर आपके फेस पे लग जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं, हम यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे, हम आगे चलेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर वो लड़का शो हो रहा है ना, तो उस पे चला जा रहा है ठीक है, और जैसे हम आएंगे बीच में तो वो मेरे पे चला जाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ तक मेरे ही फेस पर आता है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको आप इक्वल साइज में कर लीजिएगा। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसके फेस पे चाहिए उसको आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा, उसके बाद ये इफेक्ट अप्लाई कीजिएगा, उसी पर हो जाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा और मेरे फेस पे यहाँ पर इफेक्ट आ जाएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। इतना हो जाने के बाद अब वीडियो क्लिप में मुझे एनिमेशन अप्लाई करना है, तो वीडियो क्लिप पे क्लिक कीजिएगा, एनिमेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको जो मन में आए, जो आपको अच्छा लगे उस एनिमेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो फर्स्ट वीडियो क्लिप में अप्लाई करेंगे स्विंग बटन, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ड्यूरेशन सेम रहने दीजिएगा, डन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम अगले भाग पे आ जाते हैं, वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, एनिमेशन पे क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको जो एनिमेशन अप्लाई करना है कर दीजिएगा। तो अब हम करने वाले हैं अनफोल्ड, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा कम कर लेते हैं, 0.2 सेकंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आप अगले भाग पे आ जाइएगा, इसमें आप जो एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसमें भी हम स्विंग बटन वाला जो एनिमेशन है अप्लाई करना चाहते हैं कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम अगले भाग पे आ जाएंगे, अब इसमें भी हम अनफोल्ड वाला जो था उसको हम अप्लाई कर देंगे, ड्यूरेशन 0.2 सेकंड कर लीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए हम
हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें मुझे वो फ्लिकरिंग वाला जो इफेक्ट है वो अप्लाई कर देते हैं। तो हम स्टार्टिंग में आएंगे, जहां से आपका वीडियो क्लिप स्टार्ट होता है वहां पर आकर के रुक जाइएगा, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नाइट क्लब, इसको आप ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक फ्लैश 2, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आप डन पे क्लिक कीजिएगा, इसको आप इक्वल साइज में कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते होंगे। अब मुझे स्टार्टिंग का जो फोटो है इसमें मुझे शेक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो फिर से आप स्टार्टिंग में आ जाइएगा, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, नाइट क्लब में ही रहिएगा, नीचे चलिएगा, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा शेक, उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ गया भाई शेक। तो ये रहा शेक इफेक्ट, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद एडजस्ट पे क्लिक कीजिएगा, इसका जो इंसिटी है इसको आप कम बेस कर लीजिएगा, 20 के आसपास कर लीजिएगा। तो चलिए हम 20 कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे कुछ इस प्रकार से शेक करेगा। अगर इससे भी आपको कम चाहिए तो इसको आप 10-15 के आसपास कर लीजिएगा। उसके बाद एरो पे क्लिक कीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आप इक्वल साइज में कर दीजिएगा, जहाँ से आप स्कैन करने वाला इफेक्ट लगाए थे वहां तक ले जा करके रख दीजिएगा। लीजिए आपका वीडियो बन के तैयार हो चुका है। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा क्वालिटी, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, एरो पे क्लिक करके गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये एडिटिंग आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।